If you are a student, then I have a question for you. Why you are taking education? आप education क्यों ले रहे हो? What is the need of the education for you? Confused? No, you think the answer. Okay. आपके दिमाग में एक answer है योगी. Education for career. Obviously it's correct as per the today's life. Education for career. Most of the people are taking the education and they are thinking that they are taking education for career. But यहाँ पे एक problem होती है. जब education system develop की गई थी उस समय career नाम की word की इतनी ज्यादा importance नहीं थी जितना आज. Because if you go to the few thousand years back when the education system developed, at that time only few type of the career were available. And most of the people were involved either in cultivation, small businesses or soldiers. वो या तो राजा के पास सोल्जर के काम करते थे या छोटी मोटी बिजनेस करते थे या सर्विस प्रोवाइडर थे या फिर कल्टिवेशन के सामने. कुछ लोग थे जिनका एजुकेशन रखना पड़ता था जस्ट लाइक द प्रीस्ट एंड सम ऑफ द मुनीम जिसे कहते हैं उनको. बट ऑल दीज पीपल वेर इंटरेस्टेड टू गेट द एजुकेशन. All were interested to educate themselves. Then you can think now कि education career के डेवलप नहीं की गई थी. एक किसान को पता था कि वो आगे बढ़ के वो किसानी करना है. But he was trying to get him educated. वो भी जंगल में जाता था आश्रम ऋषि मुनि लोग जो आश्रम खोले होते थे उसमें बैठे रहते. Basically what happened, education was developed for knowledge. नॉलेज के लिए एजुकेशन डेवलप की गई. बट ग्रेजुअली धीरे 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 कैरियर साइड में मूव करती हूँ. एंड नाउ डेज वी आर टेकिंग द एजुकेशन फॉर कैरियर नॉट फॉर नॉलेज. एंड प्रॉब्लम स्टार्ट्स हियर. एजुकेशन फॉर कैरियर. सपोज यू आर टेकिंग द एजुकेशन फॉर कैरियर. कैरियर के लिए क्या चाहिए? वी नीड ए सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट के लिए क्या चाहिए? हाउ यू कैन गेट ए सर्टिफिकेट? By giving the examination. Exam success कैसे करेंगे? By reading the और books. Books की हर पार्ट को आप रीड करेंगे या फिर उसी पार्ट को रीड करेंगे जो एग्जाम में आने की चांसेस ज्यादा है? डेफिनेटली उसी पार्ट को रीड करेंगे एग्जाम में जिसके आने के चांसेस ज्यादा है. And this is the problem. Even we are not reading the complete book. If a education department published a book, education department knows कि किताब जब बच्चों के पास जाएगी तो उनकी knowledge को enhance करेगी, knowledge को बढ़ाएगी. But हम पूरे book को follow नहीं करेंगे. We are looking towards the examination कि exam में कौन सी part आएगी, हम उसी को पढ़ रहे हैं. Knowledge से हमारा कुछ लेना नहीं. We are just reading those things to get some mark in the exam. In this way, even we are not trying to understand the subject very clearly. जो समझ में नहीं आ रहा. And this is the main reason of our failure. कुछ बच्चे होते हैं जो educational knowledge के लिए करते हैं. Every day they are evaluating कि आज मैंने क्या सीखा. I admit one or two students. उन लोगों ने मुझे रिप्लाई दिया कि दे आर टेकिंग द एजुकेशन फॉर नॉलेज एंड एवरी डे बिफोर गोइंग टू बेड दे आर एनालिसिस दे आर डूइंग द एनालिसिस कि आज मैंने क्या सीखा. एंड दिस इज द करेक्ट वे. यू फॉरगेट अबाउट द एग्जाम. यू फॉरगेट द सर्टिफिकेट. इफ यू आर स्टूडेंट यू जस्ट कंसंट्रेट कि आप क्या सीख रहे हो. एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड यू मस्ट एनालाइज. ऑनेस्टली एनालिसिस करो ईमानदारी के साथ कि आज आपने क्या सीखा. आपकी बुक में जो भी सब्जेक्ट दी गई है यू ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बुक. डोंट लीव इन पार्ट बिकॉज यू आर रीडिंग फॉर नॉलेज. एंड इफ यू फॉलो दिस मेथड एजुकेशन फॉर नॉलेज देन डेफिनेटली दिस कैरियर एंड एवरीथिंग विल रन बिहाइंड यू. ए कैरियर एग्जामिनेशन हायर डिविजन्स ऑल विल रन बिहाइंड यू. वो आपका पीछा करेंगे.
And that's why you remember one thing. You always remember that you are taking the education for knowledge. And for this, you have to do the analysis every day. कि आज आपने क्या सीखा. यदि आप इसको नोट कर सकते हो दैट इज़ वेरी बेटर. एवरी नाइट सोने से पहले आप नोट कर लो आज मैंने ये चीज़ सीखा. एंड इट विल जनरेट ए क्रेज इनसाइड यू टू नो मोर एंड मोर थिंग एवरी डे. एंड यू विल सी यू नोट इट वन थिंग एंड डेफिनेटली यू विल रीच ए वेरी हाई पोजिशन इन योर लाइफ. थैंक यू.